हमारी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की टीम जो है वो पूरी एक्टिव है, चाहे वो सिविल डिफेंस की बात हो, चाहे एसटीएफ की बात हो। कंट्रोल रूम जो हमारा है वो 24 घंटे चली रहा है, और अगर ऐसी कोई नुकसान की स्थिति बनती है तो मेजरली हमारे नगर निगम डिपार्टमेंट, बिजली विभाग, पानी विभाग, पीएचईडी जो है ये ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, तो उनको भी हमने सचेत कर दिया है। और मैं आपके माध्यम से जोधपुर की पब्लिक को भी निवेदन करूँगा कि ये तूफान की स्थिति जो बन रही है उसमें कृपया ये जो मौसम विभाग द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं उसकी पालना करें, और आप सुरक्षित स्थानों पर रहें ताकि अननेसेसरीली कोई अदरवाइज कोई सिचुएशन नहीं बनती। सर, लोग कई बार जो है जब बारी बारी आपसे निवेदन किया कि लोग सुरक्षित अपने स्थानों पर ही बने रहें, और हालांकि गुजरात में है और डिस्टेंस काफ़ी है पर फिर भी नुकसान की स्थिति से नकारा नहीं जा सकता, तो उसीलिए मैं आपके माध्यम से जोधपुर की समस्त जनता को भी निवेदन करूंगा, ग्रामीण शहरी दोनों, कि आप इन दिनों में जो विभाग है, जो मौसम विभाग है, उसकी ओर से जो गाइडेंस दी गई है उसकी पालना करें और सुरक्षित अपने स्थानों पर रहें।